आ गए आप। वेलकम है आपका वीआर की दुनिया में। आज हम एक ऐसे फ्रूट के बारे में बात करेंगे जो ग्रीन टू ब्लैक बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है। वो कौन सा फ्रूट है? वो है बनाना। जी हाँ, इसके हेल्थ बेनिफिट तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्ट में कहा ग्रीन टू ब्लैक, मीन्स जब तक वो ग्रीन है तब तक हम उसे खा सकते हैं, उससे अपनी हेल्थ बना सकते हैं। जब वो ब्लैक हो जाता है तब भी वो बेकार नहीं जाता है, उससे हम अपनी स्किन, अपने हेयर को, जब तक वो कच्चा होता है तब तक हम उसे खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। जब वो पक जाता है तब वो इतना खाने में टेस्टी हमें नहीं लगता है, लेकिन तब भी वो बेकार नहीं है। उसकी न्यूट्रिशन, उसकी वैल्यू उसमें उतनी ही रहती है हमारी हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए। अगर केला बहुत ही ज्यादा पक जाता है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा ग्रीन टू ब्लैक, तो खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता, हम खा नहीं सकते। उसको मैश करें फोक की हेल्प से, उसमें मुल्तानी मिट्टी डालकर अपने फेस पे लगा दें और 15-20 मिनट छोड़ दें और सूख जाए तो आप उसे नॉर्मली पानी से वॉश कर दें। बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। बनाना खाकर हम अपनी हेल्थ बना सकते हैं, बस उसके छिलके से हम अपने बालों को, अपनी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। शायद आप सबको पता हो कि ये बनाना हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस पर्पज के हिसाब से लगा रहे हैं। नॉर्मली हम इसका पैक बना के अपने फेस पे लगा देते हैं और अपने हेयर पे भी लगा देते हैं, लेकिन अगर हमारे हेयर में डैंड्रफ है, इचिंग की प्रॉब्लम है, तो हम इसे उसमें क्या मिक्स और मैच करें। और अगर बहुत सारे लोगों को फोरहेड्स पर और आईज के यहाँ पर रिंकल्स हो जाते हैं, अगर आप उसके लिए यूज करें तो कैसे यूज करना चाहिए? व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हमारे फेस पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अगर हम उसके लिए यूज करें तो कैसे यूज करें, उसके अंदर क्या डालें? और हमारे अंडर आईज बहुत हो जाते हैं, तो केले के छिलके उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इसके साथ क्या और क्या डालें। बहुत सारा लेक्चर ज्ञान बांट दिया और मैं आपको आगे बताऊं कि आपको कैसे और क्या यूज करें। सबसे पहले हम यूज बनाते हैं, जो पैक बनाते हैं वो हमारे रिंकल्स के लिए बनाते हैं, जो फोर हैंड्स आइस के यहाँ रिंकल्स आ जाते हैं, कैसे ठीक किया जाए? देखो, एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, पहले ये कोई पेन किलर नहीं है कि हमने खाए और हमारा पेन किलर, जैसे हमारा कहीं भी पेन होता है ठीक हो जाता है, ऐसे ही हमने छिलके का जो भी मैं पैक बना के बताऊंगी लगाया और ठीक हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो गलत हो। तो प्लीज आप ये वीडियो मत देखिए, स्किप कर दीजिए। आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, आप उसको 10-15 दिन कंटिन्यू करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे नहीं है कि बस एक दिन लगा और दूसरे दिन आप बोल के रिजल्ट नहीं है। ये तो यूट्यूबर वाले फेक वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल फेक वीडियो नहीं होती है, एकदम ओरिजिनल होती है। लेकिन लगाने का तरीका आपको सही से होना चाहिए और जैसे हम बताते हैं आप उस वे में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत ज्यादा मैंने ज्ञान बांट दिया, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं रिंकल्स के लिए हमें क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। बनाना में मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, सी, डी बहुत होता है। विटामिन ए हमारी आईज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सबसे पहले हम रिंकल के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए मैं एक बनाना आधा लेकर उसके पिल ऑफ लेके एक मिक्सी ग्राइंडर में चला लूँगी, थोड़ा सा रोज वाटर उसके अंदर ऐड करके। और यहाँ पर ये देखिए कंप्लीट रेडी हो गया। मैं थोड़ा सा मिक्सचर निकाल के उसमें मैं स्वीट आलमंड ऑयल के कुछ कतरे डाल दूंगी। स्वीट आलमंड ऑयल हमारे फेस के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है। अगर कुछ और आप नहीं भी लगा रहे हो, खाली आप अपने फेस पर स्वीट आलमंड ऑयल की मसाज भी करते हो तो भी बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है और रिंकल्स भी हट जाते हैं। यहाँ देखिए मैं जहाँ रिंकल है वहाँ या ये पूरे फेस पर भी आप पैक लगा सकते हो। 15-20 मिनट लगा छोड़ दो, फिर वॉश कर दो, कुछ ही टाइम बाद आप रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और हल्के हल्के हाथ से आप मसाज करना चाहो तो भी कर सकते हो, क्योंकि हमने उसमें स्वीट आलमंड ऑयल डाला है। और 15-20 मिनट बाद आप वॉश कर दो। यहाँ पर मैं वाइप कर रही हूँ अपने फेस को। अगर किसी को व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स है तो बहुत ही बुरे लगते हैं और समर में तो स्पेशली ये सब हो जाते हैं। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो बहुत ही अच्छा क्लींजिंग का काम करता है और लेमन में ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको कितनी प्रॉब्लम है, मीन्स कितने व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स है, आप उस हिसाब से आप इस पैक को यूज कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अब अगर किसी को ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं तो बहुत ही बुरे लगते हैं। बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छा क्लींजिंग का काम करता है और लेमन ब्लीचिंग का काम करता है। यहाँ पर मैं हाफ ऊपर बनाना की छिलके की वाइट जो पोर्शन होता है वो लेकर और मैं उसके अंदर बेकिंग सोडा और लेमन मिक्स करके लगा दूंगी। आप ये पैक कब कब लगाना है, कितना लगाना है, आपको कितनी परेशानी है, आप उस हिसाब से इस पैक को लगा सकते हैं। वीक में 1 टाइम 2 टाइम बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और इस फेस को पूरे फेस पर मसाज भी कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा हमने डाला हुआ है, वो बहुत ही अच्छा क्लींजिंग का काम करता है। और वीक में आप 2 बार ही लगाएं, ज़्यादा मत लगाएं, क्योंकि कोई भी आप पैक लगाएं तो
फ्रेश बना के लगाएं, बना कर छोड़ें, फ्रिज में रखें नहीं। और अब मैं यहाँ पर एक थर्ड रेमेडी बना रही हूँ, वो बना रही हूँ मैं अंडर आई के लिए। अंडर आई बहुत ही बुरे लगते हैं जब हमारे फेस पे होते हैं, उसके लिए मुझे सिर्फ बनाना के छिलके चाहिए, उसमें मुझे कुछ ऐड नहीं करना है। बनाना का छिलका लेके मैं उसको ऐसे कट कर दूँगी दो पीस में, और थोड़ा ऐसे थोड़ा कटूँगी क्या ताकि वो आइस के वहाँ अच्छे से रहे। देखिए अभी अगर मैं हेयर की बात करती तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, हेयर की बात मैं फिर कभी करूँगी, फिलहाल आज मैं स्किन के टॉपिक की बात की है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, जो अक्सर आप करना भूल जाते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक।